नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे फेयर मनी ऐप की रीपेमेंट कैसे करते हैं और रीपेमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट लोन का ऑफर है वो कैसे ओके होता है। चलिए दोस्तों, फेयर मनी ऐप को ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने जो लोन लिया था अभी कुछ दिन पहले लोन लिया दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट लोन पेमेंट लिखा है 1568 रुपीज़। 25 अक्टूबर है यहाँ पर दोस्तों, देखिए 25 सेप्टेम्बर है यहाँ पर, 25 अक्टूबर को हमें हमारी जो किस्त आने रही है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है हायर लोन अमाउंट 50,000 बोल्ड इंस्टेंट एप्लीकेशन। दोस्तों आप हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि रीपेमेंट कैसे करते हैं और रीपेमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट लोन का ऑफर है हमें कितने रुपए का यहाँ से प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों ये न्यू ऐप है, अपडेटेड ऐप है, तो हम इसमें दिखा रहे हैं आपको कि रीपेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीपे लोन लिखा है, हम इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है 3,135 रुपये पहले कन्फर्म करके देखते हैं दोस्तों, हो रहा कि नहीं हो रहा। 3,135 रुपये हमारा जो फुल अमाउंट है वो यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये 3,135 रुपये यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। कन्फर्म होने के बाद दोस्तों देखिए, हम पेमेंट पेज पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर पेमेंट पेज पे पहुँचने के बाद दोस्तों हम पेटीएम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपने जो पेटीएम का आईडी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे दोस्तों। नहीं आया तो फिर आपको पेटीएम आईडी यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर नेट बैंकिंग के कार्ड से भी कर सकते हो दोस्तों। तो वेरीफाई एंड पे पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, 5 मिनट के अंदर हमें जो पेटीएम ऐप है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे ऊपर मैसेज आ चुका है फेयर मनी का, 3135 यहाँ पर रुपये हमें देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं, रिक्वेस्ट आएगी दोस्तों हमारे ऊपर स्क्रीन पर, रिक्वेस्ट नहीं आई है दोस्तों। तो हम पेटीएम ऐप को जो है अभी ओपन कर लेते हैं 4 मिनट के अंदर। देखिए दोस्तों, हमने पेटीएम ऐप को ओपन कर लिया और देखिए सबसे ऊपर ही यहाँ पर दिखा रहा है यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट दिखा रहा है फेयर मनी की तरफ से। यहाँ हम जो है ओके कर देंगे 3531 पे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना जो बैंक है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे के ऑप्शन पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर यूपीआई पिन जो है हमारा एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए फेयर मनी लिखा रहा है दोस्तों यहाँ पर, और 3135 रुपये हमने जो फेयर मनी को यहाँ से दे दिया दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3135 रुपये यहाँ भी सेंड कर दी हमने, ऊपर आ गया मैसेज। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ 3135 रुपये हमने सेंड कर दी है। सेंड करने के बाद दोस्तों हम फिर से उसी पे चलते दोस्तों, फेयर मनी ऐप पे, और यहाँ पर देखते देखिए, यहाँ पर दोस्तों प्लीज़ डू नॉट क्लोज, यहाँ पर रीडायरेक्टिंग लिखा है दोस्तों, और ये पेमेंट सक्सेसफुल जो है हमारा कन्फर्मेशन हो चुका है दोस्तों। चलिए हम बैक कर लेते दोस्तों। बैक करने के बाद देखते दोस्तों हमारा जो न्यू लोन ऑफर है कितने रुपये का यहाँ पर हुआ है। ओके देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से लिखा है गेट लोन इन 5 मिनट, और तो चलिए हम गेट लोन पे ओके कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो रीपेमेंट जो है 3132 रुपये थी वो रीपेमेंट यहाँ कर दी है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लोन का ऑफर क्या मिलता है हमें। तो हम गेट लोन पे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मेरिड वगैरह डालना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों सेकंड यहाँ पर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों वर्क का डालना है दोस्तों। फिर उसके बाद गारंटेड डालना है दोस्तों। गारंटेड डालने के बाद आपको दोस्तों लोन डिटेल डालना है, और यहाँ पर नेक्स्ट करना है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हम देखिए अगले पेज पहुँच चुके हैं। यहाँ एग्री करना है, यहाँ कन्फर्म करना है, यहाँ ग्यू एक्सेस करना है। इतना करने के बाद दोस्तों ये जो है अभी प्रोसेसिंग पे चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रोसेसिंग में होगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो 100% जब तक की देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन ऑन करने का बोल रहे हैं, हमने कर दी। अब ये 0 लिखा है, 100% होगा। उसके बाद हमें बता दिया जाएगा कि हमें कितने रुपये का लोन यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हम वेट कर लेते हैं दोस्तों 2 मिनट। तो देखिए दोस्तों, 100% यहाँ प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो हम लोन पीरियड पे करेंगे दोस्तों, हम लोन अमाउंट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों फिर से 3,000 रुपये दिखा रहा है हमें, और 2 मंथ की यहाँ पर जो है वही किस्त दिखा रही है दोस्तों, फिर से सेम टू सेम दोस्तों। इस प्रकार से आप रीपेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और इसमें जो लिमिट बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो मेरे इसमें लिमिट नहीं बढ़ी दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।